नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, श्रावण मास में इन दिनों विभिन्न संगठनों द्वारा और प्रमुख जनों द्वारा कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। गौरतलब है कि कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा और श्रद्धा का भाव प्रकट कर रहे हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद और संरक्षण दिए जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ आज मध्य प्रदेश मां नर्मदा अभियान परिषद द्वारा कावड़ यात्रा मसेठानी घाट से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर सात रास्ता एनएमवी कॉलेज मीनाक्षी चौराहा आईटीआई होते हुए निर्मल होम तक पहुंची, जहां पर भगवान शिव मंदिर पर पूजन कर कावड़ में लाए हुए जलों को चढ़ाया गया। अभियान के प्रमुख गीता मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे द्वारा आज कावड़ यात्रा में सभी जनों का सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आने वाले समय में और बड़ी संख्या में इस यात्रा को किया जाएगा। आज इस कावड़ यात्रा में भगवान शिव के भजनों पर कार्यक्रम में जोरदार डांस कर अपनी भावनाओं को प्रकट किया गया। सराफा चौक, हलवाई चौक, सात रास्ते सहित प्रमुख मार्गों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आज के कार्यक्रम में अभियान के प्रमुख गीता मीणा, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप कुमार नागर, समाजसेवी सत्या चौहान, पूर्व एल्डरमैन मुकेश नागर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार, ग्राम जेत से पधारे ललित चौहान, जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी मछुआरा प्रकोष्ठ बद्री प्रसाद केवट, उमेश कहार, राकेश कहार, प्रदीप कहार, आरती जानकी, प्रिया, नीतू रानी, पूनम नेहर, शशि साहू, रजनी, प्रीति, मालती, ममता, पुष्पा, ज्योति, विजंती, बिंदा, जयवाला, निकम, चित्रा शर्मा, अनामिका वर्मा, संगीता चौकसे सहित नर्मदापुरम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के प्रमुख जन शामिल हुए। नर्मदापुरम से खबर समय जगत के लिए प्रदीप कुमार नागर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।